तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज के शुरू में हम बात करने वाले हैं MIUI 11 के ग्लोबल स्टेबल अपडेट के बारे में, जिसका सेकंड बैच है जो कल से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों सेकंड बैच का अपडेट है और इस सेकंड बैच में बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनको पहले ही अपडेट मिल चुका है, जैसे Redmi Note 5 Pro, Redmi K20 Pro और Redmi 6 Pro। इन तीन डिवाइस को पहले ही अपडेट मिल चुका है, टाइम से पहले ही अपडेट मिल चुका है दोस्तों। और सेकंड बैच का अपडेट है जो 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था और स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको Redmi Y1 और Y1 Lite को अपडेट देखने को मिला है। बहुत सारे यूज़र को मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिनको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है। अगर आप Redmi Y1 और Y1 Lite के यूज़र हैं तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए आपको अपडेट मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है दोस्तों तो थोड़ा वेट कर लीजिए, तो कुछ दिन के बाद आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6 A, Redmi Note 5, Redmi 5, Redmi 5 का सीरीज, Redmi 4 का सीरीज, Redmi Note 4, या सारे डिवाइस इसमें शामिल किए गए हैं। तो इनको अपडेट है जो जल्द मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 12 नवंबर तक टाइम दिया गया है सेकंड बैच का, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है इस बार टाइमली अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बैच का सारे फ़ोन का टाइमली अपडेट मिल चुका था और जो सेकंड बैच है उनका भी टाइम से पहले ही अपडेट मिल चुका था। तो इस बार लगता है ऐसा कि MIUI 10 की तरह नहीं होगा कि हाँ बार बार डिले हो जा रहा था अपडेट, लेकिन अब की बार MIUI 11 का स्टेबल अपडेट है जो सारे यूज़र को टाइम पर देखने को मिलेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।